वेलकम टू कोणार्क बायोलॉजी क्लासेस। कैसे हैं बच्चों पर, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? चलिए, अभी तक हमने 11 लेक्चर पूरे के बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड द 11 लेक्चर फॉर व्हाट, ओरिएंटेशन ऑफ 11, यानी नीट के लिए हम ओरिएंट कर रहे हैं बच्चों, एक फाउंडेशन बना रहे, बेसिक कंसेप्ट को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ओरिएंटेशन के अंदर मतलब ओरिएंटेशन के लिए हमने अभी तक 11 लेक्चर लिए हैं और आज का ये 12वां लेक्चर हमारा शुरू हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम कंडीशन देख पा रहे हैं कि दिस इज, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, आप यहाँ पर देख पा रहे बच्चों, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और हार्ट के बारे में आपने काफ़ी कुछ स्टडी कर ली, तो ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पर पता हो गए बच्चों। तो ये जो आर्टरी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो आर्टरी यहाँ पर दिख रही है, ये आर्टरी और वेन, इसका नेम आप मुझे बताओगे बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्टरी एंड वेन? ये जो आपको यहाँ पर वेन दिखाई दे रही है और उसी तरह से आपको आर्टरी दिखाई दे, तो इनका नेम्स आप मुझे बताना है। और ये आर्टरी और वेन जो होती है बच्चों, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो हार्ट वॉल को ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे ये जो सर्कुलेशन होता है, ये जो सर्कुलेशन आपको दिख रहा है इसे कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड, इसे कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम कोरोनरी सर्कुलेशन, इसे कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। और कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, एक्चुअली हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है। और आप देखते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज का जो देखते हैं बच्चों, तो एग्जैक्टली ये जो आर्टरीज होती है यहाँ पर ब्लॉकेज होते हैं, और ब्लॉकेज की वजह से आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, एंड दैट कॉजेस हार्ट अटैक, उसी से होता है बच्चों हार्ट अटैक होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दो होमवर्क दिए बच्चों, इस आर्टरी का और इस वेन का नाम आपको बताना है, और ये जो सर्कुलेशन आपको दिखा दे इसे कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और आप देखोगे कि इसी आर्टरी और वेन के अगर जब ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट वॉल को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, हार्ट को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई न होने की वजह से आप देखोगे बच्चों यहाँ पर हार्ट को ब्लड सप्लाई न होने की वजह से यू कैन सी हियर यहाँ पर हार्ट अटैक हो सकता है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे बच्चों। ओके, नाउ एक्चुअली आगे का पॉइंट हमें देखना था कि यानी कल हमने यहाँ पर देखा था बच्चों स्टडी यस्टरडे, वी आर स्टडी हियर द पॉइंट, यहाँ पर हमने पॉइंट यहाँ पर देखे थे, और वो पॉइंट इस तरह से आप देखोगे बच्चों, वी आर सीन हियर द पॉइंट लाइक दिस हियर। तो यहाँ पर हमने देखा था तो हीमो का मतलब हमने देखा था, हेक्सा का मतलब हमने देखा था, एमबी यानी बोथ होता है, यानी एमबी यानी एम्बीवेलेंट। ओके, इस तरह से एम्बीडेक्स्ट्रस, एमबी मतलब बोथ होता है बच्चों। तो इस तरह से आप देखो कि एमबी मतलब बोथ होता है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, इससे कई सारे शब्द आप तो बाद में आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना कि एमबी, ओके एमबी मतलब क्या होता है, बोथ होता है। तो इसी तरह से ध्यान में रखना बच्चों, हर्ब का मतलब प्लांट होता है, और हर्बी हॉर्स के बारे में आपको बताया था, यहाँ पर बाय का मतलब टू होता है, इस तरह से बायवॉल बायनाकुलर हमने देखा था। रिट्रो का मतलब बैकवर्ड होता है, जो कि कल मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था, उससे एक रिट्रो पेरिटोनियल किडनी की पोजीशन मैंने आपको बताई थी, ये किडनी की पोजीशन रिट्रो पेरिटोनियल होती है। और एक ध्यान में रखना बच्चों, अभी आप जो लेक्चर देख रहे हैं इसका कनेक्शन इसके पीछे के लेक्चर से होता है, तो सडनली आप कोई भी लेक्चर देखेंगे तो कुछ जगह पर आपको लिंक लगने के लिए आपको लेक्चर हमेशा सिक्वेंस में देखना जरूरी है, क्योंकि लेक्चर जब आप सिक्वेंस में देखोगे तभी आपको सारे वर्ड्स अपने आप ध्यान में आ जाएगा बच्चों। ट्रांस का मतलब अक्रॉस होता है, इसलिए आप देखते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेट, ट्रांसपेरेंट आप देखते हो या ट्रांसलेट आप कहते हो। यहाँ पर अगला आता है बच्चों ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन होता है। यहाँ पर ध्यान में रखना कि यहाँ पर ओस्टियो, ओस्टियो शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, ओस्टियो का मतलब बोन होता है। और कॉन्ड्रो, ये जो शब्द है बच्चों, कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज होता है, कॉन्ड्रो मीन्स क्या होता है, यहाँ पर कार्टिलेज होता है। तो ये दो बेसिक वर्ड आपको ध्यान रखना है, उसी से आप देखोगे ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपैथी, इस प्रकार के वर्ड यहाँ पर बनते बच्चों। नॉन का मतलब नॉट होता है, तो नॉन फैट, नॉन सेंस, इस तरह शब्द बनते हैं। वाइटा का मतलब क्या होता है बच्चों, वाइटा मतलब इसमें लाइफ होता है, यानी वाइटल, और वाइटामिन्स इससे शब्द बनते हैं बच्चों। अभी इसी से रिलेटेड कुछ आगे हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर शब्द डिस्कस कर रहे थे बच्चों, ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन होता है, और उससे एक टर्म बनी थी बच्चों ओस्टियोपोरोसिस। क्या शब्द आया था, ओस्टियोपोरोसिस, काफ़ी कॉमन यूज होने वाली टर्म है बच्चों, इसे ध्यान में रखना कि यू कैन कॉमनली नो दिस टर्म, दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना रिगार्डिंग दिस ओस्टियोपोरोसिस के बारे में, यहाँ पर आप हम स्टडी करते बच्चों, तो वी कैन स्टडी हियर ओस्टियोपोरोसिस। नाउ व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या था बच्चों,
ऑस्टियोपोरोसिस इज, आप देखोगे यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस अ बोन डिसीज। सबसे पहले ध्यान रखना कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिसीज है एंड दैट कॉजेज द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, जिसमें बोन की डेंसिटी का लॉस होता है। आप देखोगे यहाँ पर बोन को जो डेंसिटी देने वाले मेन मिनरल होते हैं बच्चों, वो होता है आप देखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, और फॉस्फोरस दैट इज अ मेन, वी कैन से द कंपोजिशन ऑफ बोन विल बी देयर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की बोन की बीमारी है, और जिसके अंदर आप देखोगे कि बोन की डेंसिटी कम होती है। अभी बोन की डेंसिटी कम होना मतलब उसका वो वजन में हल्के हो गए, और वजन में हल्के होने का कारण क्या होगा, उनके अंदर जो मिनरल है उसका लॉस होगा एंड दैट बोन इज बिकम व्हाट, पोरस हो जाते हैं। तो नेचुरली अगर आप देखोगे हेल्दी बोन आपको दिखाई दे रहे बच्चों, दीज आर द हेल्दी बोन्स आर देयर, और बोन जब हेल्दी होते हैं तो अच्छे से यहाँ पर आप देखोगे कि बोन जब हेल्दी होते हैं यहाँ पर बोन रिजिड होते हैं। बोन कैसे थे बच्चों, रिजिड होते हैं, यानी बोन जब हेल्दी होते हैं आप देखोगे यहाँ पर दिस आर द बोन्स आर देयर। तो बोन के स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख पा रहे बच्चों कि बोन जब हेल्दी होते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि बोन्स आर बिकम विकेन्स हेल्दी होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह से आप अंडरस्टैंड करोगे बच्चों कि बोन जब हेल्दी होते हैं इस तरह से उनकी स्ट्रेंथ होती है, उनकी डेंसिटी इस तरह से अच्छी तरह से मेंटेन होती है, और आप देखोगे कि इनका स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर मिलता है, यानी दिस इज व्हाट हेल्दी बोन स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहे बच्चों, दिस इज व्हाट हेल्दी बोन। अगर आप बोन को डिटेल अगर करते यहाँ पर, अगर आप बोन को यहाँ पर अगर मैग्नीफाई करोगे तो यहाँ पर बोन के अंदर कैविटीज है, लेकिन आप देखोगे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम जो है बच्चों यहाँ पर कैल्शियम आयन्स यहाँ पर क्या है, हाई है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन का लॉस होता है बच्चों, आप देखोगे कैल्शियम आयन का जब लॉस होता है तो लॉस होने की वजह से आप देख पा रहे कि यहाँ पर बोन की डेंसिटी कम हो चुकी है। तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस इसका मतलब आपको क्या हो गया, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस यानी आप देखोगे पोरस बोन, पोरस बोन यानी बोन की डेंसिटी कम होगी, बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे अभी हेल्दी बोन है, जब बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो बोन्स आर बिकम पोरस। इस तरह से आप देखोगे ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बच्चों पोरस बोन होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टूड रिगार्डिंग व्हाट ऑस्टियोपोरोसिस का कंसेप्ट आपको इस तरह से यहाँ पर ध्यान में रखना है बच्चों। यू कैन अंडरस्टूड हियर रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो फाइनली व्हाट यू अंडरस्टूड हियर, क्या आपके समझ में आ गया बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है पोरस बोन। और इसका एक बढ़िया आप यहाँ पर देखोगे बच्चों कि ऑस्टियोपोरोसिस देन व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कॉज क्या है बच्चों, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज अ बोन लॉस। यहाँ पर बोन लॉस होता है बच्चों एंड ड्यू टू द ड्रॉप इन योर, वी कैन से बॉडी इस्ट्रोजन, यानी बॉडी का इस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से बोन की डेंसिटी कम होती है। बोन में आप देखोगे कि इस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से बोन की डेंसिटी कम होती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एंड इस्ट्रोजन इज हार्मोन दैट हेल्प टू बिल्ड एंड मेंटेन योर बोन्स, यानी इस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। आपको यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आ गए बच्चों कि इस्ट्रोजन इज हार्मोन दैट हेल्प टू बिल्ड एंड मेंटेन योर बोन्स, ध्यान में रखना। और इस्ट्रोजन की वजह से बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन होती है, बोन आपके बोन मेंटेन होते हैं। और आप देखोगे कि द मोस्ट कॉमन कॉज इज व्हाट, इस्ट्रोजन लॉस इन वुमेन आफ्टर मेनापॉज। तो जब मेनापॉज होता है बच्चों, मेनापॉज का मतलब क्या होता है, मेनापॉज मतलब इन केस ऑफ फीमेल अगर आप देखोगे बच्चों तो आफ्टर 45 एज, और आफ्टर 45 टू 50 के बीच में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बिटवीन 45 टू 50 यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है। 45 टू 50 में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होती है बच्चों देन इसे कहते हैं, ध्यान में रखना यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब यहाँ पर स्टॉप होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है बच्चों, यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, और व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप दैट इज कॉल्ड, इसे मेनोपॉज कहा जाता है, इट इज नोन एज अ मेनोपॉज। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होती है इसे कहा जाता है मेनोपॉज, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट होती है, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गेट स्टार्ट हियर, तो व्हाट इज इट कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं बच्चों, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ये पॉइंट आपको देखना है। व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ स्टार्ट व्हाट इज इट कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना यानी इसे मेनोपॉज कहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्ट होना उसे हम क्या कहते हैं, तो दैट पॉइंट इज फॉर यू। तो फीमेल में जनरली आप देखोगे कि बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बोन में दिक्कत आती है एट एज ऑफ व्हाट,
45 to 50, क्योंकि उनके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने की वजह से फीमेल में इस्ट्रोजन की लेवल कम हो जाती है. एंड दैट्स व्हाई एज सून एज द मेनोपॉज टेक प्लेस जनरली फीमेल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस व्हाट दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम उनको होता है बच्चों. और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या आता है? पोरस बोन. ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या आता है? पोरस बोन होता है. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है. और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आप देखो कि बोन की डेंसिटी यहाँ पर कम हो जाती है. बोन की डेंसिटी यहाँ पर कम हो जाती है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे एस्ट्रोजन के लॉस की वजह से बोन की कैल्शियम लॉस, अगर कैल्शियम लॉस होने की वजह से बोन ज़्यादा पोरस हो गए, उनकी कैविटी जो होती है वो बढ़ गई बच्चों, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस से कहा जाता है. अब यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब पोरस बोन होता है. तो आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पर अगर कंडीशन आप देखोगे तो एक बढ़िया सा कार्टून के थ्रू हमने दिखाया कि जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो इस तरह से आप देखोगे कि उठने और बैठने में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है. दैट इज़ एक कार्टून आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो, दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस. आप देख पा रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस. तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है बच्चों कि दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट ऑस्टियोपोरोसिस का कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है. तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर अच्छी तरह से कार्टून के थ्रू यहाँ पर समझ आ रहा है कि व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों कि ऑस्टियोपोरोसिस डे, द वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो आप कहेंगे दैट वाज अक्टूबर 20. तो अक्टूबर 20 इट इज़ अ व्हाट, आप देखोगे अक्टूबर 20 इज अ वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे. आपको यहाँ पर देखना है कि अक्टूबर 20 इज कंसिडर एज अ वर्ल्ड, वी कैन से ध्यान रखना, इसे कहते हैं अक्टूबर 20 इज अ वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, इसे कहते हैं बच्चों. तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर 20 इज कंसिडर एज अ ध्यान रखना कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इसे कहते हैं. तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, आप इसे समझ रहे बच्चों कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इज व्हाट, अक्टूबर 20 इज कंसिडर एज अ ऑस्टियोपोरोसिस डे. अभी अगला पॉइंट आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि ऑस्टियोपोरोसिस का और एक कंसेप्ट आपको दिखा दे कि नॉर्मल बोन है बच्चों, डेंस अच्छी तरह से हेल्दी बोन, नॉर्मल बोन जब उसमें एक प्रॉपर कैल्शियम होता है. तो इस तरह से आप देखोगे बच्चों कि इस तरह से आप देखोगे कि दिस इज व्हाट नॉर्मल बोन विल बी देयर, एक हेल्दी बोन आपको इस तरह से दिखाई देता है, दिस इज व्हाट नॉर्मल बोन. जबकि आप देखेंगे दिस इज व्हाट ऑस्टियोपोरोटिक बोन, यानी इसकी डेंसिटी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हड्डी का स्ट्रेंथ कम हो चुका.